प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित यात्रा को लेकर जिलाध्यक्ष ने ली बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 मई को नाथद्वारा में प्रस्तावित यात्रा की तैयारियों को लेकर भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक भाजपा जिलाध्यक्ष मानसिंह बारहट की अध्यक्षता में हुई। इसमें सभी मंडल सदस्यों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई, जिसमें लोगों को लाने ले जाने, पेयजल, बसों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था को लेकर मंडल के सभी सदस्यों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। इस दौरान बैठक में जिले के अलग अलग मंडल के सदस्य मौजूद थे। जिम्मेदारी के लिए बधाई भी दूंगा और ये चुनावी वर्ष 2023 और 2024, इसमें आप सभी को सबसे ज्यादा अगर किसी की मेहनत रहेगी तो आपकी रहेगी, क्योंकि प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी रहेगी। अब प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी कैसे रहेगी वो तो आपको अभी सहजन मोदी ने पूरी कार्यशाला के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दी होगी। मैं मेरे अनुभव और कार्य के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि जो भी काम पार्टी के हित में होगा उसका प्रचार आपको करना। अब प्रचार करने की 3-4 विधियां रहेगी। काम है वो पढ़ने का काम है, रोज का रोज हर बूथ पे बूथ संख्या डालकर जो भी नुक्कड़ सभा होगी वहाँ की वीडियोग्राफी होगी, फोटोग्राफी होगी और सरल ऐप पर नमो ऐप पर डाउनलोड करके प्रदेश को अवगत कराना है। तो आप सभी से यह निवेदन है कि अपने अपने क्षेत्र में कोई भी जो कलाकार है उन कलाकार से आप बात करें, जो भारतीय जनता पार्टी की सफलता और कांग्रेस सरकार की नाकामियां गाँव में और बूथ पे पेश कर सके। सार्वजनिक स्थान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर। इस दौरान बैठक में राजसमंद प्रचार प्रसार कार्यशाला जिला संयोजक जवाहरलाल जाट ने भी बैठक को संबोधित करते हुए सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी। इस वर्ष 10वीं या 12वीं बोर्ड का एग्जाम दिया है तो आपके पास है सुनहरा अवसर RSCIT कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करने का। सनशाइन इंस्टीट्यूट ऑफ इट ICICI बैंक के पास किलवा। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जूरियस 5-स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। जबरन धर्मांतरण करवाने वाले दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग। मोही निवासी हर्षित उर्फ बंटी आचार्य के जबरन धर्मांतरण व उसे डरा धमका कर लाखों रुपए हड़पने, दबाव बनाकर स्कूटी व मोबाइल लेने के मामले में षड्यंत्रकारी मुस्लिम युवती, उसकी माता, मौलाना एवं इस षड्यंत्र में शामिल अन्य मुस्लिम युवकों व युवतियों को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग को लेकर हिंदू जागरण मंच के सदस्यों ने जिला कलेक्टर एवं SP को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि षड्यंत्र में शामिल सभी दोषियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। आइए अब जानते हैं जिला कलेक्ट्रेट में पहुंचे हिंदू जागरण मंच के सदस्य इस मामले को लेकर क्या कुछ बोले। आज हिंदू जागरण मंच राजसमंद द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय एवं जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया गया। गांव मोही तहसील जिला राजसमंद में बंटी उप हर्षित को कुछ मुस्लिम महिलाओं एवं युवकों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक फंसाया गया और उसका जबरन धर्मांतरण करवाया गया। इसी के साथ उस पर दबाव बनाकर कुछ पैसे ऐंठे गए, उससे मोबाइल एवं स्कूटी दबाव बनाकर ली गई है और उस पर प्रेशर बनाते हुए उसका धर्मांतरण किया है और निकाह का लालच दिया गया है। और फिर आगे जाके जब वो व्यक्ति हनुमान जन्मोत्सव के कार्यक्रम में सम्मिलित होता है और वो वीडियो जब वायरल होता है, लेकिन 9 दिन निकलने के पश्चात भी पुलिस द्वारा इस मामले में प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। जिन्होंने धर्मांतरण करवाया है ऐसे मौलानाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ज्ञापन में आरोप लगाया कि हर्षित के मोबाइल में अभियुक्तों से वार्ता की ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जिससे भी सारे आरोप प्रमाणित हो रहे हैं, फिर भी प्रभावी कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई है। इसी की मांग को लेकर हिंदू जागरण मंच के सदस्य कलेक्ट्रेट पहुंचे और जहां पर ज्ञापन सौंपा गया। देलवाड़ा में चलती कार में लगी आग मची अफरा तफरी। गोमती से उदयपुर
फोरलेन पर दिलवाड़ा के पास एक चलती कार में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद उसमें सवार लोग तत्काल कार को सड़क किनारे खड़ी कर वे उतर गए, लेकिन देखते ही देखते धू धू कर आग जलने लगी। बाद में सूचना पर उदयपुर से दमकल भी पहुंची, मगर तब तक आग बुझ चुकी थी और काफ़ी देर होने की वजह से कार पूरी जलकर खत्म हो गई। दुर्घटना के बाद यह राहत की बात रही कि तत्काल जो उस कार में सवार थे वे सभी उतर गए थे, और उसके बाद सूचना पर देलवाड़ा थाने से पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात व्यवस्था को एक तरफा फोर लेन पे करवाया गया, जिससे अन्य यात्रियों को कोई असुविधा नहीं हुई। हालांकि बाद में फायर दमकल से पानी का छिड़काव करने के बाद में आग पर काबू पाया और पुलिस ने यातायात व्यवस्था सुचारू की।